इस वीडियो में हम आपका इंग्लिश पढ़ने का टेंशन ही खत्म कर देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ सामान्यतः भ्रामक शब्द। मतलब ऐसे शब्द हैं दिखने में समान है, प्रोनाउंसिएशन भी समान ही एक तरह से लग रहा है, लेकिन अर्थ इसका अलग अलग है। देखिए, तो इस शब्द को कहते हैं भ्रामक शब्द कहते हैं। जैसे कि ACCEPT, इसको एक्सेप्ट पढ़ेंगे। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। जैसे ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट, उसने मेरा रिक्वेस्ट स्वीकार कर लिया। और देखिए ACCEPT, देखने में समान है ना। एक्सेप्ट इसका मतलब होता है सिवाय। ऑल एक्सेप्ट निशा वेर प्रेजेंट, सभी सभी के सिवाय निशा क्या थी, प्रेजेंट थी। एक्सेस इसको पढ़ेंगे एक्सेस। एक्सेस मीन्स होता है पहुँच। आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल के पास पहुँच नहीं है, या मेरा पहुँच प्रिंसिपल के पास नहीं है। इसको पढ़ेंगे एक्सेस। सिर्फ ACCESS, एक्सेस अधिकता। एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज बैड, मतलब किसी भी चीज़ की अधिकता जो होता है बुरा होता है। एडवाइस इसको पढ़ेंगे एडवाइस, थोड़ा सा लास्ट में CE है और इसको पढ़ेंगे एडवाइज, इसमें एस है। एडवाइस मीन्स होता है मशवरा देना, मशवरा देना। ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, उसने मेरा मशवरा नहीं सुना। और एडवाइज मीन्स होता है मशवरा देना, मतलब सलाह, दोनों एक ही बात है। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे सलाह दिया, मशवरा दिया कि तुम कठिन परिश्रम करो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए है आंसर। आंसर मीन्स होता है उत्तर देना। सी डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। और रिप्लाई, रिप्लाई मीन्स होता है किसी बात का उत्तर देना। रिप्लाई टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्न का जवाब दो। एंजल इसको पढ़ेंगे ANGEL को एंजल। एंजल मीन्स होता है फरिश्ता, फरिश्ता। अब्बू सो एन एंजल इन हिज ड्रीम, अब्बू ने अपने स्वप्न में एंजल को देखा, फरिश्ता को देखा। और इसको पढ़ेंगे एंगल, ANGLE, इसमें है GEL, इसको पढ़ेंगे एंगल। एंगल मीन्स कोण। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, 45 डिग्री का एक कोण बनाइए। इसको पढ़ेंगे एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। ही वॉज किल्ड इन ए कार एक्सीडेंट, मतलब उसे या उसे कार एक्सीडेंट में वह मरा था, वह कार एक्सीडेंट में मर गया था, कार दुर्घटना में। और इंसिडेंट, इंसिडेंट मीन्स होता है घटना। टेल मी एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, अपने जीवन की एक इंटरेस्टिंग घटना को बताइए। एफेक्ट, एफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना। हार्ड वर्क एफेक्टेड माई हेल्थ, कठिन परिश्रम मेरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, मेरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और इसको पढ़ेंगे इफेक्ट। इफेक्ट मीन्स प्रभाव। द मेडिसिन हैड नो इफेक्ट ऑन मी, दवाइयों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं। बेड, BAD, बेड मीन्स बुरा, बैड मीन्स बुरा। मोहन इज ए बैड बॉय, मोहन एक बुरा लड़का है। बेड, बेड मीन्स बिस्तर। सी इज लेइंग इन बेड, वह बेड पर क्या है, पड़ा हुआ है। बेल, BAIL, बेल मीन्स होता है जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, मतलब उसे जमानत पर छोड़ा गया है या वह जमानत पर छूट गया है। और बेल, BALE, बेल मीन्स होता है गांठ। आई बॉट 2 बेल्स ऑफ कॉटन, मैंने कॉटन में 2 गांठ बांधे। ब्राइडल, ब्राइडल मीन्स विवाह संबंधी होता है। इट इज़ माई ब्राइडल रिंग, यह मेरा विवाह का रिंग है, अंगूठी है। और ब्राइडल, ब्राइडल मीन्स होता है लगाम। ही बॉट ए ब्राइडल फॉर हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े के लिए एक लगाम खरीदा। आगे देखिए, टोटल 15 सेंटेंस जानेंगे। ब्रेक, ब्रेक मीन्स ब्रेक होता है, जैसे कि साइकिल और कार में होती है। माई साइकिल हैज़ नो ब्रेक्स, मेरे साइकिल में ब्रेक नहीं है। और एक होता है ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। डोंट ब्रेक माई डॉल, मेरी गुड़िया को मत तोड़ो। आगे देखिए, बॉर्न, बॉर्न मीन्स पैदा होना। आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पैदा हुआ। और बॉर्न, बॉर्न मीन्स होता है सहन करना। इसमें देखिए BORN और इसमें सिर्फ आगे ई आ गया है। जैसे ही हैज़ बॉर्न मैनी डिफ़िकल्टीज इन हिज लाइफ, उसके जीवन में उसने कई सारे कठिनाइयों को सहा या उसे सहन करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, आगे है बियर। बियर मीन्स होता है रीछ या भालू। आई सो ए बियर इन द जू, मैंने चिड़ियाघर में एक भालू देखा। बेयर, बेयर मीन्स होता है नंगा। डू नॉट वॉक बेयर फुटेड,
मतलब नंगे पैर मत चलो। आगे देखिए बर्थ, बर्थ मीन्स होता है जन्म। टुडे इज़ माय बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। और बर्थ, बर्थ मतलब होता है सीट। अब इसमें देखिए बी आई आर टी एच और इसमें बी ई आर टी एच, थोड़ा सा आई की जगह पर ई आ गया। बर्थ मीन्स सीट। आई हैव गोट माय बर्थ रिजर्व्ड, मैंने अपना सीट जो है उसे रिजर्व्ड कर लिया। ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बजाना। डू नॉट ब्लो द व्हिसिल, सीटी मत बजाओ। और देखिए बिलो, बिलो मीन्स होता है नीचे, थोड़ा सा चेंज है, बी ई इसमें आ गया, इसमें सिर्फ बी एल ओ डब्ल्यू, इसमें बी ई एल ओ डब्ल्यू। बिलो मीन्स नीचे। डू नॉट हिट बिलो द बेल्ट, मतलब बेल्ट के नीचे जो है हिट मत करो, चोट मत करो। बाय, बी यू वाई, बाय मीन्स होता है मोल लेना या खरीदना। जैसे आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदना चाहता हूँ। और बाय, बाय मीन्स होता है द्वारा। सी गोज टू स्कूल बाय बस, वह स्कूल जो है बस के द्वारा जाती है। ठीक है, अब आगे देखिए चार सेंटेंस और जानते हैं। आगे देखिए ब्लू, बी एल यू ई, ब्लू मीन्स नीला। द स्काई इज ब्लू, आसमान नीला है। और ब्लू, बी एल ई डब्ल्यू, ब्लू मीन्स होता है बजाया। ही ब्लू ए व्हिसिल, उसने एक सीटी बजाया। बिसाइड, बी ई एस आई डी ई, बिसाइड मीन्स समीप। सिट बिसाइड मी, मेरे समीप बैठो। और बिसाइड्स, बी ई एस आई डी ई एस, बिसाइड्स मीन्स होता है अतिरिक्त। मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट बिसाइड्स, पैसे से तो पैसा मिलता ही है लेकिन जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उसके बगल से मतलब अतिरिक्त मिलता है। कैटल, कैटल मीन्स होता है पशु। द कैटल आर ग्राजिंग इन द फील्ड, पशु जो है खेत में चर रही है। और देखिए कैटल, के ई डबल टी एल ई, यहाँ है सी ए डबल टी एल ई, यहाँ के ई डबल टी एल ई। कैटल मीन्स पतीली होता है। प्लेस द कैटल ऑन द स्टोव, स्टोव पर क्या करो, पतीली रख दो। 20 और लास्ट वर्ड जो हमारा है क्लॉथ, सी एल ओ टी एच, क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं। आई वॉन्ट टू बाय ए पीस ऑफ क्लॉथ, मैं एक कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, मतलब एक कपड़ा जो होता है कपड़े का टुकड़ा, पीस ऑफ क्लॉथ खरीदना चाहता हूँ। और क्लॉथ्स, सी एल ओ टी एच ई एस, इसको बोलेंगे क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स होता है सिले हुए कपड़े, जैसे पुट ऑन योर क्लॉथ्स, मतलब पुट ऑन योर क्लॉथ्स, अपने जो कपड़े हैं सिले हुए कपड़े, इसका मतलब अपने कपड़े रखो। अब इस वीडियो में हमने 20 वर्ड जाना, आप देखिए 21, 22, 23 शुरू है और टोटल जो है इसमें आपका 107 वर्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, हम लंबी वीडियो बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप लोगों को देखने में डिस्टर्ब हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, फिर अगले वीडियोज़ ज़रूर आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और वीडियोज़ बहुत सारा बना हुआ है आपके काम का, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।